हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हुए सड़क हादसे में मारे गए 3 पुलिस जवानों को आज सोलन पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एएसपी अशोक वर्मा की अगुवाई में पुलिस कर्मियों व उनके परिवारजनों द्वारा मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वहीं इस अवसर पर पुलिस कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया। एएसपी अशोक वर्मा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के हादसों से पुलिस फोर्स को एक बड़ी क्षति पहुंची है। उन्होंने मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं अर्पित की हैं। वहीं समाजसेवी विक्रम ने अपनी तरफ से मृतक पुलिस कर्मियों के परिवार को अपने एक दिन का वेतन देने की भी बात कही है। अब देखना यही होगा कि किस तरह पुलिस विभाग मृतक पुलिस कर्मियों के परिवारों की मदद के लिए आगे आता है। गौरतलब है कि गगरेट होशियारपुर मार्ग के चेक पोस्ट से 150 मीटर पीछे आशा देवी में बुधवार रात 10:30 बजे बाइक पर सवार 3 पुलिस कर्मियों को एक ट्रक ने कुचल दिया था। हादसे में 3 पुलिस कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने नदौन में गिरफ्तार किया है। ट्रक के टायर में खून के धब्बे लगे मिले हैं। 22 सितंबर की रात को हमारे हिमाचल पुलिस के 3 जवानों की थाना गगरेट के अंतर्गत रात को एक दुखद हादसे में मौत हो गई थी। तो हमारी जिला सोलन पुलिस है, उनकी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करती है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने उन सब 3 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं, जो एक एक्सीडेंट में, जो उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। और मैं उनको जो है, सरकार की तरफ से ना ही कोई मदद है, ना ही उनके कोई पेंशन की सुविधा है। तो मेरा एक दिन का जितना भी है, 1500-2000 रुपये मैं उनको दूंगा एक दिन का जो है। और मेरी जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिस भाई हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि वो अपनी एक दिन की आय जो है वो इनको मतलब एक सेवा के रूप में इनको प्रदान करें। और